आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, अब तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। बीजेपी जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विश्वनाथ बांडेबुचे ने किया स्टिंग ऑपरेशन के आरोपों का खंडन। रेती माफिया प्रकरण में बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से किए गए स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विश्वनाथ बांडेबुचे की गाड़ी क्रमांक MH36Z1045I20 के साथ स्वयं उपाध्यक्ष भी घटना स्थल पर बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुए, जिससे यह पता चलता है कि चोरी प्रकरण में यह भी शामिल है। इसकी तफ्तीश में बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम उनके घर पहुंची तो उन्होंने आरोपों का किया खंडन। देखते हैं खबर विस्तार से। आपका नाम बताइए। विश्वनाथ वासुदेव जी बनने पूछे। 10 तारीख को एक वीडियो शूटिंग हुई थी हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ। उसमें एक आपकी गाड़ी और आप नजर आए थे वहाँ पर, चोरी का प्रकरण चालू था। बराबर है, हमारे गाँव में ट्रक से जेसीबी से ट्रक भरना चालू है। वहाँ पे मैं क्या है, हमारे गांव में जब भी ट्रक का धंधा होता है। हाँ। मैं वहाँ पे रोकने के लिए जाता हूँ, और उस दिन भी मैं रोकने गया था। हाँ। और मेरा जाना। हाँ। और वहाँ पे जेसीबी से ट्रक भरना। हाँ। और उनसे मैं बात कर रहा था कि भैया कहाँ के ट्रक है, किसके परमिशन से भर रहे हो, तुम्हारे पास में रॉयल्टी है क्या। हाँ। तो मैं उतने में बात कर रहा था, उस समय आप शायद आए होंगे और आपने वो रिकॉर्डिंग कर ली, तो आपको ऐसा लगा कि मैं खुद गाड़ियाँ भर रहा हूँ। नहीं, हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर आपका नाम चलता है, यानी चोरी माफिया के नाम से, रेती चोरी के माफिया के नाम से आपका नाम चलता है, आपको बोला जाता है ऐसा करके। नहीं, वैसा क्या है, मेरे गांव में 30-40 ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर वाले कभी कभार बेचारे बाहर खेड़े पाड़े में अपनी रेती लेके जाते हैं, तो उनके अगर किसी ने गाड़ी पकड़ लिया तो उनको ऐसा लगता है कि अपने गाँव के सभापति है, उनके हस्बैंड है, तो उस हिसाब से मेरे को कभी कभी फ़ोन कर लेते हैं, और किसी अधिकारी ने गाड़ी पकड़ लिया तो विश्वनाथ बांडेबुचे नाम भी बता देते हैं, उनको कुछ फ़ायदा होता होगा अपने नाम का, तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि रेती का काम मैं खुद करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे पास में कोई ट्रक जेसीबी ट्रैक्टर ही नहीं। तो एक यानी ये क्या है, नाम जो आपका चल रहा है चोरी माफिया में, यानी ये नाम झूठा चल रहा है ऐसा कहने का मतलब? नहीं, झूठा 100% झूठा है, लेकिन उसको विरोधी जो लोग हैं हमारे पार्टी के, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे घर वाली सभापति है और मैं भाजपा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, उसकी वजह से विरोधी लोग डैमिनेट करने के लिए नाम लेते हैं मेरा, ये रेती का धंधा करता है, रेती माफिया है। अगर भैया मैं रेती माफिया रहता तो मेरे पास में करोड़ों की अमाप संपत्ति रहती, लेकिन मैं अपने जैसा साधारण आदमी हूँ, गरीब आदमी, लोगों की सेवा करते रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि यहाँ पर इतना बड़ा चोरी का प्रकरण होता है, तो फिर आप किस तरह से उसको हैंडल करते हो? नहीं, मैं सबसे पहले अपने गाँव वालों को बोलता हूँ, भैया तुम अपने गाँव में नदी है यहाँ तक की ठीक है, लेकिन खेड़े पाड़े में तुम माल लेके जाओगे तो कोई घरकुल वाले रहते हैं, उनका फायदा होगा, तुम्हारे भी रोजी रोटी बनेंगी, वहाँ पे 10 हमाल का भी फायदा होगा, लेकिन जब जहाँ तक के ट्रक का धंधा है तो तुम ट्रक का धंधा गांव में करोगे तो तुम्हारे बराबर मेरी भी बदनामी होंगी, तुम्हारे ट्रैक्टर भी बंद हो जाएंगे, इसलिए ट्रक का अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रैक्टर से करते होते ट्रैक्टर चोर के लेके गए और बेचे वो ठीक है, लेकिन ये ट्रक जेसीबी को सब अपना विरोध है, और मैं डेली जाते रहता हूँ वहाँ पे विरोध करने के लिए, उनका काम बंद करने के लिए। यानी आप जो भी चोरी प्रकरण होते रहता तब वहाँ पर आप जाके उनको रोकते हो? हाँ, डेली रोकता हूँ मैं, और 5 साल के पहले एक मेरे घर घाट वालों के साथ में मारपीट भी हो गई थी। अच्छा। उसमें मेरे ऊपर गुने भी दाखिल हुए थे, उनके भी ऊपर गुने दाखिल हो गए थे। अच्छा, यानी ये चोरी रोकने के चक्कर में। खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।